हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज क्या है? कब्ज को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि असामान्य फ्रीक्वेंसी हो सोच की, अनियमित हो, जो सोच या मल है वो असामान्य रूप से सख्त हो और उसका मार्ग कठिन और कभी कभी दर्दनाक होता हो, यानी मलत्याग दर्द के साथ हो या जोर लगाने से हो, स्ट्रेनिंग हो, तो हम उसको कब्ज कहेंगे। सामान्य मलत्याग की जो आदत है उससे किसी भी प्रकार की वेरिएशन हो या भिन्नता हो जाए तो उसे भी हम कब्ज मान सकते हैं। कब्ज के कारण क्या है? कब्ज के बहुत सारे कारण हैं। उनमें शामिल हो सकता है मसल्स की कमजोरी, गतिहीनता यानी मोबिलाइजेशन कम हो, बैठे रहने का ज्यादा काम हो, थकान, और मल के पारित होने की सुविधा के लिए जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट होता है वो बढ़ाने में असमर्थता हो। बहुत सारे लोग कब्ज के शिकार बन जाते हैं क्योंकि वे शौच के लिए समय नहीं निकालते हैं, वो इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वो जो अर्ज टू डेफिकेट होती है या कॉल नेचर की कॉल होती है उसे दबाने का प्रयास करते हैं या अनदेखा कर देते हैं कि पहले थोड़ा सा काम कर लें, तो उससे क्या है कि वो जो नेचर की कॉल है वो रिप्रेस हो जाती है और वो कब्ज का कारण बनती है। इसके अलावा कब्ज आहार संबंधी आदतों का भी परिणाम है, जैसे फाइबर की कम कंजम्पशन हो, यानी रफेज कम हो, सैलेड कम हो, या अपर्याप्त तरल पदार्थों का सेवन हो, नियमित व्यायाम की कमी और तनाव भरा जीवन, ये भी कब्ज को न्योता देते हैं। कब्ज कुछ दवाओं से भी हो सकता है, जैसे ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी कोलिनर्जिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव डायूरेटिक्स, एल्यूमिनियम बेस्ड एंटासिड्स और मसल्स को आराम देने वाले मसल रिलैक्सेंट्स, इनके कारण भी हो सकता है। इसके अलावा कब्ज कुछ मेडिकल कंडीशंस में भी हो सकता है, जैसे रेक्टल या एनल कोई डिसऑर्डर्स हो, जैसे बवासीर या फिशर। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ट्यूमर्स, हर्शपंस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म और फियोक्रोमोसाइटोमा, इन कंडीशंस में भी कब्ज हो सकता है। मेडिकल जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या लक्षण क्या होंगे, तो एक तो सबसे बड़ा लक्षण तो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। लगभग ये मान के चलो कि यदि एक हफ्ते में 3 बार से कम मलत्याग होता है तो वो कब्ज की श्रेणी में काउंट हो जाता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फीलिंग ऑफ प्रेशर पेट के अंदर हो सकती है, भूख कम लगेगी, डिक्रीज ऑफ एपिटाइट हो जाएगी, हेडेक हो सकता है, फटीग रहेगी, अपच होगा, इनडाइजेशन होगी और अ सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होगा, यानी टॉयलेट जाने के बाद भी ऐसे लगेगा कि पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है पेट। स्ट्रेनिंग एट स्टूल, यानी स्टूल पास करते समय बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और जोर लगाने के बाद भी जो एलिमिनेशन ऑफ स्टूल होता है वो लंप, हार्ड और ड्राई स्टूल पास होता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में हिस्ट्री से वैसे क्लियर हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, कब्ज हो सकती है। इसके अलावा टेस्ट करवा सकते हैं अंडरलाइन कोज के लिए, बेरियम एनीमा टेस्ट, सिग्मोइडोस्कोपी, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड एंड इवन सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा? कब्ज का उपचार अंडरलाइन डिजीज को फाइंड आउट करना और उसका ट्रीटमेंट करना ही होता है। इसका उद्देश्य होता है कि बार बार कॉन्स्टिपेशन के एपिसोड ना हो। इसके लिए हम सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान देते हैं वह है स्वास्थ्य शिक्षा पर, कि जो बाउल हैबिट्स है उसके प्रति स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए, हाई फाइबर डाइट और तरल पदार्थों के सेवन के लिए एनकरेज किया जाए और पेट की मसल्स को स्ट्रोंग बनाने के लिए नियमित व्यायाम या एक्सरसाइज के लिए एनकरेज किया जाए। यदि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो इसके लिए कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स हैं, सेलाइन और ऑस्मोटिक एजेंट्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं जैसे बिस्कोडिल हुआ, और स्टिमुलेंट्स और फीकल सॉफ्टनर्स भी दे सकते हैं। सीवियर कंडीशन में जैसे जब फीकल इंफेक्शन हो जाता है तो एनिमा या सपोजिटरीज दे सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा इसमें? यदि वैसे तो ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है,
बट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े सीवियर कंडीशन के लिए, तो सबसे पहले प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाएगा। कब्ज के जो कारण है और उनका जो रोकथाम है, उपचार है, उसके बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, व्यायाम के बारे में बताया जाएगा और रोगी को एनकरेज किया जाएगा कि वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो उसमें शर्म ना करे, शेयर करे और अपने क्वेश्चंस पूछे। जो भी दवाएं लिखी जाएंगी वो समय पर दी जानी है। रोगी को जितना ज्यादा हो सके तरल पदार्थ पीने के लिए एनकरेज किएंगे, प्रोत्साहित करेंगे और गतिशीलता बढ़ाने के लिए कहेंगे। गतिशीलता मतलब वो थोड़ा इधर उधर घूमे, वॉक करे। यदि उसका सिडेंट्री लाइफ है तो वॉकिंग बहुत जरूरी है कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए। और यह जो हमारा बाउल मूवमेंट है, क्रमांकुंचन है, उसकी मूवमेंट को, मेटास्टाल्सिस पैरास्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ा देता है। इसके अलावा गंभीर मामलों में एनिमा या सपोजिटरी दी जा सकती है। यदि ये प्रेस्क्राइब की गई हो तो इन्हें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड के रूप में ही देते हैं और फाइव राइट्स का उपयोग करते हुए देते हैं। कब्ज के उपचार और रोकथाम में डाइट मॉडिफिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। डिस्चार्ज प्लानिंग के दौरान रोगी को हाई फाइबर डाइट और जो फ्लूड इनटेक है वो इंक्रीज करने के लिए समझाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com इसे विजिट करना ना भूलें। यहाँ पर सारे कंटेंट्स आपको मिलेंगे। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।